सुखदेव, आप देख रहे हैं कि एटीन चैनल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अट्रैक्टिव जो इंट्रो होता है वो कैसे बना सकते हैं। आपने मेरे वीडियो में इंट्रो देखा होगा, वो उसी तरीके से आप 3D इंट्रो बना सकते हैं अपने ही लोगों का। तो मैं आपको इस वीडियो में बताते रहूँगा किस तरीके से टिप्स। तो हाय दोस्तों, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिस एप्लीकेशन का नाम है बिटमैट। तो वो बिटमैट आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा, तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर आपको यूट्यूब खोल लेना है। ठीक है दोस्तों, मैं नेट ऑन कर लेता हूँ और यूट्यूब में आपको सर्च है 3D इंट्रो। तो मैं 3D इंट्रो सर्च कर लेता हूँ। सेटिंग में ओपन करना है और आपको क्रिएटिव कॉमन पे क्लिक कर देना है। क्रिएटिव कॉमन वो होते हैं जिन पर कॉपीराइट स्ट्राइक आने के नहीं चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे वो आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई इंट्रो चूज करता हूँ, जैसे कि इंट्रो दोस्तों मुझे ये वाला अच्छा लगा, तो मैं इस इंट्रो को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेता हूँ। तो दिखा देता हूँ आपको डाउनलोड करके। इसे अपने फ़ोन में सेव कर लेता हूँ। आप शेयर में जाओगे, कॉपी लिंक करोगे, यहाँ पर एक एरो बनी जाएगी, इस एरो को दबाना और आपकी ये इंट्रो डाउनलोड हो जाएगी आपके फ़ोन में। आप बिटमैट ऐप करना डाउनलोड ना भूलें, ताकि ये जो एरो आपकी उसमें आएगी। तो चलिए फिर ये वाली वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैं इसे HD में डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये जैसी कंप्लीट होती है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत टाइम ले सकती है शायद, वैसे वो तो काफ़ी चलती रही है। तो ये देखिए दोस्तों, डाउनलोड होने गया, ये डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, तो मैं आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, काइन मास्टर प्रो। तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया होगा, उस पर क्लिक करिए और उस वीडियो को देखिए आप काइन मास्टर प्रो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो काइन मास्टर प्रो को मैं ओपन कर लेता हूँ सिंपली। सब्सक्राइब कीजिए क्रिएट इन द चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यहाँ पर आप जैसे ही ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से न्यू टैब ओपन होगा। तो मैं इसे अभी इसे ओके कर देता हूँ, इसे इस साइड पर जाता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट में जाओगे आप, न्यू प्रोजेक्ट में आपको वो इंट्रो चुन लेना है। तो डाउनलोड में, और ये मैं इंट्रो चुन लूँगा। डन हो गया, सुन सकते हैं आप। तो इसमें देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंट्रो है। तो इसमें मैं कुछ अपना फ़ोटो ऐड करूँगा और स्टार्टिंग देख लेते हैं कहाँ से है। ठीक है, स्टार्टिंग यहाँ से। तो मैं इसमें अपना एक लोगो ऐड कर देता हूँ। तो इसमें लोगो दिया है, फिर आपको यहाँ पर स्टिकर में जाना है और यहाँ पर आपको कलर रेडी रहना है। तो कलर में ग्रीन ले लेता हूँ और इसमें गोला ही चूज कर लेता हूँ और एक गोलाकार का मैं बना देता हूँ। ठीक है, और इसे ओके कर देता हूँ। इसमें क्लिक करके इसे क्लिक हो चुका है। तो मैं इसे कुछ इसमें आप इफेक्ट भी दे सकते हैं। आप पॉप वाला दोगे तो ये पॉप ही अच्छा लग रहा है, वैसे तो आप इसे कुछ भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये देख सकते हैं एंड में नाम लिखने को आ रहा है। तो मैं इसे और पीछे कर देता हूँ, अब नाम खत्म।
कर सकते हैं, तो मैं दोबारा अभी ग्रीन या ब्लू कुछ भी ले सकता हूँ, तो मैं इसे ब्लू ही ले लेता हूँ ताकि ब्लू इससे मैच तो कर रहा है थोड़ा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इस तरीके से अपना इंट्रो बना सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए अपने सारे सोशल मीडियाज पर ताकि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा